सो हेलो गाइज, अगर आप भी मेरे तरह बिग बिलियन डे सेल या फिर अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का वेट कर रहे हो आईफोन लेने के लिए, तो बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिग बिलियन डे सेल में या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आईफोन्स के एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में या फिर बिग बिलियन डे सेल में आईफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपका किडनी भी बच जाए और आपको आईफोन भी जाए, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी के लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लाता रहता हूं इस चैनल पे, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में या फिर बिग बिलियन डे सेल में आईफोन्स के प्राइस क्या होने वाले हैं। और यह प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है 1500 रुपए, और जो भी प्राइस सेट होता है प्रीवियस सालों का रिकॉर्ड देखते हुए ही सेट होता है, तो ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होता है, आसपास ही इसका प्राइस रहता है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आईफोन्स के प्राइस क्या होने वाले हैं, क्या आपको लेना चाहिए, क्या इस बार भी आपका किडनी बिकने वाला है। तो चलो बात करते हैं पूरा डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे आईफोन SE का। आईफोन SE अभी आपको 28 से 30 हज़ार के बीच में मिल जाएगा, और मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको सेल में ये आईफोन SE 15 हज़ार रुपये का भी मिले तो आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसका डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा छोटा है और इसमें यूज होता है HD डिस्प्ले, ठीक है। तो इसमें यूज होता है HD डिस्प्ले, वो भी 4.7 इंचेस का। तो आप सोच सकते हो अगर आप थोड़ा सा पैसे लगा दोगे तो आपको आईफोन 11 मिल जाएगा। और अब हम बात करते हैं आईफोन 11 का कि आईफोन 11 आपको सेल में कितने को देखने को मिलने वाला है। तो आईफोन 11 आपको सेल में 22 से 25 हज़ार के अंदर ही मिल जाएगा, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा डील होने वाला है। आईफोन अभी आपको 41 हज़ार से 42 हज़ार रुपये का मिल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि आईफोन 11 पे आपको 35 से 36% का डिस्काउंट मिलने वाला है, और ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया डील हो सकता है। अगर आपका बजट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है तो आप आईफोन 11 की तरफ जा सकते हो। इसमें आपको बड़ा डिस्प्ले भी मिलता है और इसमें आपको डुअल कैमरा भी मिलता है। तो अगर आप थोड़ा सा और पैसा लगा देते हो तो आपको थोड़ा सा और भी अच्छे फ़ोन्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 25 हज़ार के अंदर आप आईफोन चलाओ और एप्पल का लोगो भी आपको मिल जाए, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया डील होने वाला है। अब हम बात करते हैं आईफोन 12 के एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में कि सेल के दौरान आईफोन 12 का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाला है। अभी आईफोन 12 आपको 52 से 53 हज़ार रुपये का मिल रहा है, बेस वेरियंट 64 GB वाला। और वहीं सेल के दौरान BBD सेल में या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आपको आईफोन 35 हज़ार से 37 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि हम आईफोन 11 क्यों ना लें, आईफोन 12 क्यों लें थोड़ा सा पैसा डाल के। तो आपको बता दूं कि इसमें मेजर डिफरेंस क्या है। तो आईफोन 12 आपको 5G मिलता है, और वहीं आईफोन 11 में आपको 4G का ही सपोर्ट मिलता है। और आईफोन 11 में आपको HD डिस्प्ले मिलता है, और आईफोन 12 में आपको XDR डिस्प्ले मिलता है, और बैटरी बैकअप भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है आईफोन 12 में। तो इस वजह से आप आईफोन 12 को कंसिडर कर सकते हो एज कम्पेयर टू आईफोन 11 के। अब हम बात करते हैं आईफोन के सबसे ज़्यादा बिकने वाली सीरीज आईफोन 13 के बारे में। आईफोन 13 बहुत ही ज़्यादा बिका है जब से लॉन्च हुआ है, और इस बार भी बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला है, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर आईफोन सीरीज है। और इसमें आपको कैमरा बहुत ही ज़्यादा कमाल का मिलता है, और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये सेल के दौरान कितने में मिलेगा और अभी कितने में मिल रहा है। अभी आपको 58,000 से 60,000 तक मिल जाएगा फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पे। और वहीं हम बात करें कि सेल में आपको कितने का मिलने वाला है, तो सेल में आपको 43,000 से लेके 45,000 तक मिल जाएगा सेल के दौरान। और आईफोन 13 सबसे ज़्यादा बिकने वाला सीरीज है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है A15 का बायोनिक चिप हेक्सा कोर के साथ, और इसमें आपको 3240 mAh का बैटरी भी मिलता है, बिग बैटरी मिलता है, जो कि पूरा दिन आपका चल जाता है, और A5G कनेक्टिविटी के साथ भी आता है, और इसमें बहुत ही कमाल का फोटोज भी आता है। अगर आपका बजट 43 से 45,000 के बीच में है तो आप इसको जरूर से चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सीरीज है आईफोन का। अब हम बात करते हैं कि आईफोन 14 सीरीज हमें कितने का मिलेगा सेल के दौरान। तो आईफोन 14 का बेस वेरिएंट अभी आपको 69,000 में मिल रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर। और वहीं हम बात करें कि आईफोन 14 का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाला है सेल के दौरान। तो आईफोन 14 का एक्सपेक्टेड प्राइस 49,000 से 52,000 होने वाला है। तो लगे हाथ हम ये भी देख लेते हैं कि आईफोन 14 प्लस का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाला है। तो आईफोन 14 प्लस को मैंने अपने विशलिस्ट में सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि इसमें मिलता है सबसे बड़ा बैटरी और सबसे बड़ा डिस्प्ले इस सेगमेंट के। तो आईफोन 14 प्लस आपको 58,000 से 60,000 तक के अंदर ही मिल जाएगा,
और ये भी बढ़िया चॉइस होने वाला है अगर आपका बजट 60,000 के अंदर है तो। और इसमें आपको बड़ा बैटरी भी मिलता है और इसका कैमरा भी बहुत ही ज़्यादा मस्त है। इसमें आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलने वाला है जो कि प्रो मैक्स मॉडल में मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आईफोन 14 प्रो या फिर 14 प्रो मैक्स का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाला है। तो देखो, आईफोन 14 प्रो का या फिर आईफोन 14 प्रो मैक्स का ज़्यादा प्राइस ड्रॉप नहीं होता है आईफोन 11 या फिर आईफोन 13 के तुलना में, ठीक है। इनका प्राइस ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेल होते हैं और ये मिड सेगमेंट के हैं आईफोन, और जो प्रो मॉडल हैं या फिर प्रो मैक्स मॉडल हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कम लोग लेते हैं क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले ही लोग लेते हैं। कोई सेंस है इस बात का? जान लेते हैं कि iPhone 14 Pro का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाला है बेस वेरिएंट का। तो iPhone 14 Pro का बेस वेरिएंट का एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाला है 89,099 रुपीज़। और वहीं हम बात करें कि iPhone 14 Pro Max का क्या प्राइस होने वाला है, तो iPhone 14 Pro Max आपको 1,00,000 रुपये में देखने को मिल जाता है। 1 रुपये बच जाएगा, हाँ यही प्राइस आपको मिलने वाला है सेल के दौरान iPhone 14 Pro Max का। तो ये सारे के सारे प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस हैं, तो प्रो मॉडल के 4,000 से 5,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं और मिड रेंज के और बेस वेरिएंट के थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होंगे, जैसे 400-500 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। और जितना भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड प्राइस बताया वो आसपास ही सर्कुलेट होंगे। अगर आप भी मेरे तरह वेट कर रहे हो बिग बिलियन डे सेल का तो कमेंट करके बताओ कि मैं भी वेट कर रहा हूँ आईफोन लेने के लिए। और वहीं हम बात करें कि बिग बिलियन डे सेल कब शुरू होने वाला है, तो 27 से 30 सितंबर के बीच में आपको ये सेल देखने को मिल जाता है। तो नॉर्मली सितंबर के लास्ट में ही सेल लगता है, बिग बिलियन डे सेल हो या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, सितंबर के लास्ट में ही देखने को मिलता है। और इस सेल के दौरान बहुत सारे फोन्स का प्राइस ड्रॉप हो जाता है, इस सेल के दौरान ही आपको शॉपिंग करना चाहिए अगर आप आईफोन ले रहे हो तो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।